आज हम समझेंगे गिटार की साइंस को, गिटार कैसे वर्क करता है। एक गिटार में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स है जिनका लेंथ सेम है बट उनकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो अलग अलग है। एग्जांपल देने पर जो सबसे पहली वाला जो वायर है, जो सबसे पहले वाला स्ट्रिंग है, उसकी अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो बहुत ही पतला है, तो उसकी जो साउंड आएगी वो अलग आएगी। उसके बाद वाला वायर उसकी चौड़ाई अलग है, तो इसीलिए उसका जो साउंड आएगा वो अलग आएगा। डिपेंडिंग अपॉन किस लेंथ और किस चौड़ाई पर हम किसी स्ट्रिंग को प्लग करेंगे या उसके उसे हम वाइब्रेट कराएंगे, इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो मेरा परफॉर्मेंस देखिए पहले आप, उसके बाद हम इसकी और डीप स्टडी करेंगे। बहुत ही पतली है, जो बहुत ही कम थी है, क्योंकि वो बहुत ही पतला है तो वो वाइब्रेट बहुत फास्ट करता है, तो फास्ट वाइब्रेट करने की वजह से उसमें ज़्यादा वेव्स बनती है। वैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होते जाएगी, उसकी वॉइस होते जाएगी डीप और बहुत ही ज़्यादा डेंस होते जाएगी वॉइस, बिकॉज ऑफ दी जैसे जैसे हम उसका थिकनेस बढ़ाएंगे स्ट्रिंग का और उसे प्लग करेंगे, तो उसका वाइब्रेट करने की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए पतली स्ट्रिंग में जो आवाज़ आती है वो हाई पिच वाली आती है। हाई पिच का मतलब है उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वेव्स जल्दी बनती है, और जो डेंस पिच स्ट्रिंग है, जो थिक स्ट्रिंग होगी, उसमें साउंड बहुत ही ज़्यादा डीप आएगी, बिकॉज उसमें जो स्ट्रिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पा रही, वो स्लोली वाइब्रेट कर रही है। यही सेम कॉन्सेप्ट मेल और फीमेल के वॉइस में भी यूज़ होता है। एक मेल की वॉइस बहुत ज़्यादा डीप होती है बिकॉज उसके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत लार्जर, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं कंपेयर टू फीमेल। फीमेल का जो वोकल्स के साइज़ है वो बहुत ही पतला होता है, इसलिए उनकी जो फ्रीक्वेंसी, जो वेव बनती है, वो हाई पिच की बनती है। उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली, बहुत ही मीठी आवाज़ होती है। बट एक मेल की वॉइस बहुत ही डीप होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो मेल का वोकल है वो बहुत ही इलॉन्गेटेड है, बहुत बड़ा है, और फीमेल का जो वोकल है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए ज़्यादा वेव बनती है फीमेल में। हाई पिच वॉइस मेल में, एंड मेल में बड़ा वोकल्स होने की वजह से, ज़्यादा बिग साइज का वोकल होने की वजह से लेस वेव्स और डीप वॉइस। सेम कॉन्सेप्ट गिटार और अपने भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट की यही स्टोरी, यही कहानी है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिंग का साइज, स्ट्रिंग की विड्थ, स्ट्रिंग की थिकनेस, कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं उसमें, साउंड वेव्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी पर हमारी साउंड का जो नेचर है वो डिसाइड होता है। गिटार में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द लेंथ। हम थिकनेस तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने पर भी गिटार की जो वॉइस है वो अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट वॉइस आती है गिटार में। सो स्ट्रिंग का जो विड्थ है वो तो चेंज नहीं होगा, बट लेंथ चेंज करने पर, उसे प्रेस करने पर और फिर करेंगे तो आई होप आपको समझ में आया हो।